डॉक्टर साहब, मैं मां बनने जी वाली हूँ क्या? नहीं, अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आपके पेट में बस थोड़ी सी गैस बन गई थी, उसी वजह से आपके पेट अच्छा में दर्द था। कोई बात नहीं, हम लोग कल दोबारा ट्राई करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन में डॉक्टर आता है क्या? डॉक्टर साहब, इस बार तो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। आई एम सॉरी, इस बार भी आप प्रेग्नेंट नहीं है। आपके पेट में गैस ही बनी क्या है? खांसी में बाकी गैस ही थोड़ा बनती है खाने क्या? पीने का ध्यान रखिए, आप कल तक ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम कल फिर कोशिश करेंगे। मैं चलता हूँ। नेक्स्ट डे नहीं, डॉक्टर साहब, इस बार तो मैं प्रेग्नेंट हो ही गई होंगी ना। अगली बार इस ट्राई बार करेंगे। भी आपके पेट में गैस ही बनी है। कोई बात नहीं, चाहे गुस्सा होके चली गई। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, आपका सीएनजी पंप, अरे जब भी करते हो गैस भर जाती है। यही है वो बेड जो मैंने आपसे लास्ट ईयर खरीदा था, और अब मैं इसे बेचना चाहती हूँ। मैंने आपसे 12,500 में लिया था। अच्छा। तो आप मुझे 3-4 हज़ार रुपए कम काट कर जो आपको ठीक लगे वो दे देना। मैडम, मैं 3-4 हज़ार रुपए काटूंगा नहीं इस बेड के, टोटल मैं आपको 3-4 हज़ार रुपए दे सकता हूँ। क्यों? इस बेड को देखिए, बिल्कुल नया, एक बार भी यूज नहीं किया मैंने। ये देखिए, जैसा दिया था वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल अनयूज्ड। मैडम, कुछ पैसों के लिए कितना झूठ बोलेंगी? आपके घर में सिर्फ एक ये बेड है, और आप बोल रही हैं कि 1 साल के अंदर आपने इसे एक बार भी यूज नहीं करा। खुद सोचिए मैडम, आप क्या बोल रही हैं? अरे मैं सच कह रही हूँ, रात को काम पर जाती हूँ इसलिए यूज नहीं कर पाई इसे। रात में काम करती है? रात में कहीं आप कॉल? हाँ, वही 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 काम करती हूँ मैं। अच्छा, तो पहले बताती ना मैडम, मैं फालतू में लोगों को ढूंढता रहता हूँ कोई हो। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते, इस बेड के मैं आपको 4,000 रुपए दे दूंगा, और 4,000 ऊपर से दे दूंगा अलग से। तो करें बेड पे शुभारंभ। बदतमीज आदमी, कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ मैं, नाइट शिफ्ट है मेरी, इसलिए बेड यूज नहीं कर पाई। कभी मानो तो क्या बात है, क्या बात है। ओए, अबे तूने कोई लड़की बुलाई है क्या? नहीं तो, लेकिन कोई है तो बुला ले, बड़ा मन कर रहा है। जी बोलिए। एक्सक्यूज मी। यस श्योर। जी आप कौन? देखिए, मैंने ये घर खरीद लिया है। अच्छा। तो आप दोनों अपना बैग पैक करिए और खाली कर दीजिए घर। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको दिख नहीं रहा क्या, पार्टी कर रहे हैं हम लोग। देखो, दिखाइए ना। अरे देखना दिखाना जल्दी कीजिए, मैं भी लाइन में हूँ। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो आप दोनों। अरे करिए ना जबरदस्ती, अरे हम तो चाहते हैं कोई तो हो हमारी जिंदगी में जो हमारे साथ जबरदस्ती करे। ज्यादा बदतमीजी की ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फटाफट सामान बांधो और निकलो यहाँ से। एक महीने का टाइम दे दीजिए बस, हम कर देंगे खाली। नहीं दूंगी। तो एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए। नहीं दूंगी। एक घंटे का टाइम तो दे दीजिए। नहीं दूंगी। आधे घंटे का तो टाइम दे दीजिए। ठीक है, ले लो आधा घंटा। यहीं पे या दूसरे रूम में चले? भैया मुझे लिपस्टिक चाहिए। जी आप मैडम ये वाला देखिए, बहुत प्यारा शेड है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई कराऊं? कोई और नहीं है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल है मैडम। अच्छा भाई साहब, आई थिंक आपको बाहर कोई बुला रहा है, जाके देखिए। अच्छा झूठ बोला, झूठ बोला भाई। सॉरी, मुझे लगा कोई बुला रहा था आपको। चलो कोई बात नहीं,
आपके पास कोई और शेड नहीं है? हाँ हाँ है ना मैडम, बहुत सारे शेड है, आप टेंशन मत लीजिए। पानी खत्म हो गया? हेलो, तूने टंकी नहीं भरी आज? ओ शिट बेबी, मैं आपको बताना ही भूल गई, मोटर खराब है ना तो इसलिए टंकी नहीं भरी। तभी तो सुबह से अभी तक वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोए मैंने। अरे एक बात बता भाई, तुम्हारे मम्मी पापा आज कैसे छोड़ के चले गए तुम्हें अकेले? आज किसी के घर में शादी थी तो बस फई गए, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें बुला लूं। सही सोचा तुमने बिल्कुल। अच्छा हाँ, चॉकलेट लेकर आए हो ना? अरे हाँ हाँ, अभी क्या मैं सही तो आया हूँ। चाय क्यों नहीं पीऊंगा, कभी कभी तो तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मौका मिलता है। ठीक है फिर। अरे वाह बेबी, क्या बात है, खीरे आजकल तो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हो रही हो। तो सही है, खीरे ना बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, रोज खाने चाहिए हमें। अच्छा, अब से खा भी लिया करूंगी। चलो भाई, आपको वीडियो कैसा लगा, सलाह लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।